आर्टिस्ट के लिए जो है ना वो एक सिचुएशन ये है कि हमारे मेजरली तीन सिटीज़ हैं जिसके अंदर म्यूजिक होता है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज है uh, कराची में बेसिकली मेन इंडस्ट्री है म्यूजिकल और लाहौर में इट्स इट्स ओके कायन सिनेरियो और इस्लामाबाद में भी इट्स ओके काइन एथ सन्नेरियो बट इज़ इन 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 कराची होल इंडस्ट्री ड्रामा इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री सब वहीं पर सो so, आपके पूरे मुल्क में अगर तीन मेजर सिटीज़ जो हैं वो म्यूज़िक बनाती हैं और वहीं से आर्टिस्ट सारे आते हैं और बेहतर एक्सपोजर मिलता है तो इट मीन्स कि आपकी जो बाकी सारी सिटीज़ हैं उनमें म्यूज़िक जा ही नहीं पाता या वहाँ से कोई जो भी म्यूज़िक करना चाहता है वो कर नहीं पाता उसको उन सिटीज़ में सपोर्ट नहीं होती इसी वजह से जो लोग सुनने वाले हैं उनको पता नहीं चल पाता कि किसको सुनना और किसको नहीं तो उनको जब एक्सपोजर नहीं हो पाता है इन सब चीज़ों का और ज़्यादा सिटीज़ में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं या हर सिटी में एक म्यूज़िक इंडस्ट्री ज़्यादा ख़ुद नहीं है तो उस वजह से आ, उनके उनको जानरज नहीं पता होते उनको पता नहीं मेनली so, एक एक ही जॉनर चलता है हमारे मुल्क में इट्स इट्स गेटिंग बेटर लोगों को कोक स्टूडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है कि अच्छा ऐसा म्यूज़िक भी होता है स्पेशली द न्यू वन इट्स वेरी मॉडर्न सो अब लोगों को जाके के आइडिया हुआ कि अच्छा यार मॉडर्न म्यूज़िक भी होता है कुछ या आपने मिस मार्वल में पाकिस्तानी गाने सुन लिए तो यू अंडरस्टैंड दैट दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक इज़ इंटरनेशनली पॉपुलर और जॉन राज पॉपुलर तो आई मीन बट जो दूसरी सिटीज़ हैं पाकिस्तान की उनमें ज़्यादा एक्सपोजर इसलिए नहीं क्योंकि दे डोंट हेयर दैट काइंड ऑफ म्यूज़िक मोर ऑफ्टन सो अगेन वी नीड टू हैव वेरी लाइक प्रॉपर uh institutes and uh proper industry in every city so anybody can have that exposure artist or listener as well